हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल पॉइंट। और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं आपको बीएन कॉलेज से लेकर हर वो कॉलेज जो कि पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में आती है और यूजी कट ऑफ के बारे में। अब जो भाई या फिर जो बहन चाहती है पीजी कट ऑफ के बारे में क्या रहता है सर, तो मैंने वीडियो बना दी है और उसका लिंक मैं अपने आई बटन में, नहीं तो फ्रेंड्स अपने आई बटन के अलावा मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप आई बटन में चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं पीजी कट ऑफ के बारे में। तो फिलहाल दोस्तों हम यहां शुरू करते हैं आप लोगों को यूजी की कट ऑफ, और शुरू करते हैं दोस्तों पहले बीएन कॉलेज। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम कुछ सम कोर्स के बारे में बात करेंगे। सभी कोर्स के बारे में जानना है तो आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हम बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसीए कुछ जो वोकेशनल कोर्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं डिटेल से। और फ्रेंड्स सबसे पहले हम बस बताएंगे इसमें फर्स्ट कट ऑफ कितना था और लास्ट कट ऑफ कितना गया। उसके बाद दोस्तों आप बीच का कट ऑफ जानने के लिए आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर बीएन कॉलेज के बारे में। तो फ्रेंड्स जो बीएन कॉलेज में जो फर्स्ट कट ऑफ था वो कुछ इस प्रकार था। यहाँ देख लीजिए एडमिशन 2019-20 लिखा हुआ है और गारंटेड लिस्ट भी दिया हुआ है। और ये मैथ वाले कट ऑफ कुछ इस तरह था। जो भी जनरल वाले के लिए थे जिनका 87 से लेकर 66 के बीच में नंबर था उनको फर्स्ट कट ऑफ में बीएन कॉलेज के अंदर में हो गया था। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले और जो थे बीसी 2 वाले उनका 65 से 63 नंबर के बीच में था उनको भी हो गया था, या फिर 63 या 65 नंबर था उनको भी हो गया था। जो बीसी 1 वाले हैं उनको 65 से 61 वाले में जो भी था उनको हो गया था। जो दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका 65 से लेकर 60 के बीच में था उनको भी हो गया था। जो एससी वाले हैं उनको 65 से 54 के बीच में था उनको हो गया था। जो फ्रेंड्स एसटी वाले हैं फर्स्ट लिस्ट में मैथ नॉर्थ में उनका 65 से 61 के बीच में उनको हो गया था। और फ्रेंड्स जो ओबीडब्ल्यू वाले हैं उनको 65 से 53 के बीच में था उनको हो गया था। तो दोस्तों जिन जिन का इतना आया था कट ऑफ, मतलब इतना मार्क्स आया था इंट्रेंस एग्जाम में आउट ऑफ 100, उन लोगों को रिपोर्टिंग टाइम के द्वारा, देखो यहाँ पर कैसे कैसे रिपोर्टिंग टाइम दे देकर उन लोगों को एडमिशन के लिए बुलाया गया था और नीचे उनको डेट ही मेंशन किया गया था और कहा गया था ये सब आपको डॉक्यूमेंट लेके आना। तो फिलहाल दोस्तों जो कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है आप लोग को एडमिशन में उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है। शुरुआत करता हूं दोस्तों नेक्स्ट कट ऑफ के रूप में। तो फ्रेंड्स जो चाहते थे बीएन कॉलेज से आप लोगों को बीए करना होगा कट ऑफ देख लीजिए। जो जनरल वाले थे उनका 75 से लेकर 61 के बीच में था उन सभी को बुला लिया गया था। जिनका बीसी 2 वाले थे उनका 60 से लेकर 57 के बीच में जो भी था नंबर उनको बुला लिया गया था। बीसी 1 में 60 से 54 के बीच में था उन लोगों को एडमिशन के लिए बुला लिया गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से लेकर 53 के बीच में, एससी के लिए 60 से 48 के बीच में, एसटी के लिए 60 से 55 के बीच में, उसके बाद दोस्तों ओबीडब्ल्यू के लिए 55 से 47 के बीच में था उन सभी को बुला लिया गया था। उनके लिए रिपोर्टिंग टाइम भी दिया गया था, ठीक है। तो मैं दोस्तों आपको बता दिया यहां पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट कितनी गई थी। और दोस्तों लास्ट मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इस पर नहीं चढ़ाई हुई है। तो मैं आपको यहां पर बीए बीएससी, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि बीएन कॉलेज में बीकॉम तो होता नहीं है इसलिए यहां पर सब बीए और बीएससी कट में बता रहा हूं। और पीजी तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना ही चुका हूं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें सबसे लेटेस्ट जो लास्ट कट ऑफ गया था जिन जिन का 45 नंबर था उनको बुलाकर लास्टली सीट भरने के लिए 45 तक के नंबर वालों को बुला लिया गया था थर्ड लिस्ट तक ले, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो है 45 काफी रिस्की था, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कम से कम 50 नंबर तक ले आने के लिए। तो आप कोई भी कास्ट के हो आपका एडमिशन दोस्तों लास्ट लिस्ट तक होना तय है। तो उसके बाद बात करते हैं बीएन कॉलेज के अंदर जो वोकेशनल वाले थे उन लोग कितना गया था। तो फ्रेंड्स वोकेशनल कोर्स के लिए क्या होता है कि उन लोग के लिए उन लोगों का मेरिट लिस्ट नहीं बनता है जिस तरह नंबर बाय नंबर होता है। उन लोग को बस एग्जाम लेकर और जब उन लोगों को बुलाना होता है इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू के लिए देखिए इस तरह आपको रोल नंबर दे दिया जाता है कि इतना रोल नंबर वाला, इतना वाला, इतना वाला, इतना वाला, इतना से इतना बजे है, ठीक है। और इतना से इतना रोल नंबर वाले तक को देखो, इतना से लेकर इतना तक के रोल वाले पे इतना कैंडिडेट इतना आए इतना से, उस तरह दोस्तों उनको रोल नंबर वाइज बुलाया जाता है। ये आपको हर कॉलेज में होता है, आपको जो भी वोकेशनल कोर्स जिनका भी है जिनका भी इंटरव्यू है उन लोग के लिए ऐसा बुलाया जाता है। तो फिर भी पूछोगे सर बताइए बीसीए के लिए लाइक कितना तक बुला लिया जाता है। तो फ्रेंड्स बीसीए के लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होती है उसमें 55 से जिसका भी अधिक नंबर होता है उन सभी को लगभग बुला लिया जाता है इंटरव्यू के लिए सब फर्स्ट राउंड में। लेकिन दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जो जो इंटरव्यू देंगे जिनका भी दोस्तों अगर 45 नंबर पार है आउट ऑफ 100 बीसीए या बीबीए कोई वोकेशनल एग्जाम में, उन सभी को इंटरव्यू के लिए आज ना कल किसी तरह उनको बुला ही ले जाएगा चाहे कितना भी कटअप क्यों ना निकले। तो आप उसके लिए चिंता मत कीजिए, कोशिश कीजिए तो 45 प्लस नंबर लाए, ठीक है। तो उन लोगों को दोस्तों रोल नंबर वाइज बुलाया जाता है चाहे पटना वुमेन्स कॉलेज हो चाहे कोई भी कॉलेज हो, ठीक है। दोस्तों अब चलते हैं हम, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आते हैं अब हम आते हैं मगध महिला में। दोस्तों मगध महिला सुन लीजिए क्या कटअप था अगले साल। तो उन जो भी दोस्तों यहाँ बीएससी चाहते हैं करना उन बीएससी वाले सुन लीजिए अनरिजर्व्ड में अप टू 61 था, ठीक है। 61 से जिनका भी नंबर अधिक था उनको बुला लिया गया था।
बीसी वन में अप टू 42, जिनका 42 से अधिक नंबर था उनका अधिक, 42 से कम नहीं हो चाहिए, 42 से अधिक नंबर चाहिए। बीसी टू वालों के लिए फर्स्ट कट ऑफ में अप टू 50, एससी वालों के लिए अप टू 36 और एसटी वालों के लिए अप टू 50 होना चाहिए, तब उन लोगों को फ्रेंड्स यहाँ बुलाया गया था। वैसे दोस्तों बता दूं कि अधिकतर इसमें फिफ्थ कट ऑफ तो निकलती है, लेकिन उसमें फिफ्थ कट ऑफ तक में एक से दो स्टूडेंट को होता है। तो लास्टली हम थोड़ा बात कर लेते हैं लास्टली कट ऑफ कितना आता है फ्रेंड्स। तो लास्टली इसमें वही है कि जनरल वाले हो तो 50 कम से कम नंबर चाहिए आपको, और ओबीसी एसटी वाले हो तो 40 प्लस नंबर है, तो आपका कभी ना कभी किसी तरह एडमिशन दोस्तों हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ बीएससी के अलावा बीकॉम। ये देखो ये दोस्तों है बीएससी मैथ के लिए। तो देखो जो अनरिजल्ट वाले थे उनको 47 से अधिक नंबर था, उन सभी गर्ल्स को बुला लिया गया था मगध महिला में। बीसी वन में 40 से अधिक, बीसी टू में 43 से अधिक, एससी में 32 से अधिक, एसटी में 40 से अधिक। ये दोस्तों सबसे लास्ट लिस्ट था। ठीक है, ये सबसे लास्ट जो अंतिम जो लिस्ट होती है कट ऑफ, उस अंतिम लिस्ट में इतना से इतना तक वालों को बुला लिया गया था। तो ये आपको अंतिम लिस्ट में दिखा रहा हूँ जिसमें एक दो स्टूडेंट ही बच पाते हैं। ठीक है, आप आगे जाओ। तो ये है दोस्तों यहाँ पर बीए वालों के लिए। देखिए यहाँ बीए वाले में 54 से अधिक तक बुला लिया गया जनरल वालों के लिए, 44 से अधिक बीसी वन वालों के लिए, बीसी टू वालों के लिए 50 से अधिक, एससी वाले को 23 से अधिक और एसटी वाले को 42 से अधिक नंबर था, उनको बीए में एडमिशन के लिए मगध महिला में बुला लिया गया था आपको अगले साल। ठीक है, ये सबसे लास्ट कटअप में आपको मैं बता रहा हूँ। और ये देखिए ये बीकॉम वाले के लिए है, बीकॉम वाले में 56 से अधिक था नंबर, अनरिजल्ट वाले तो बुला लिया गया था। बीसी वन वाले में 42 से अधिक नंबर, बीसी टू में 52 से नंबर अधिक नंबर, एससी को 38 से नंबर अधिक और एसटी को 46 से नंबर अधिक था, बुला लिया गया था। अब बात करते हैं वोकेशनल, तो मैंने बता दिया वोकेशनल में कट ऑफ नहीं निकलती है, उसमें आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट बुलाया जाता है। ठीक है, और वह आपको रोल नंबर वाइज कट ऑफ निकलेगी, उसमें रोल नंबर अपना मिला लो, अगर है तो आपको जाना है, नहीं है तो आपको रिपोर्टिंग टाइप दिया रहेगा, नहीं मिलता तो फिर आपको नहीं जाना होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों हम सीधे पटना कॉलेज की तरफ में। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों को कि क्या होता है, पटना कॉलेज में भी रोल नंबर वाइज आती है कट ऑफ इसकी। ठीक है, और सब मुकाबले इसमें थोड़ा थोड़ा अलग टाइप के आता है, और इसमें सबसे अधिक जो बच्चे हैं एडमिशन सबसे अधिक इसी में होता है पटना कॉलेज के अंदर है फ्रेंड्स, और आप लोग इसमें जा सकते हैं। देखिए इसमें रिजल्ट ऐसे आएगा आप लोगों का, इसमें दोस्तों आपको रोल नंबर के साथ में, मार्क्स के साथ में, प्रेजेंट के साथ में, रजिस्ट्रेशन नंबर, इस सब के साथ में आपको लिखा हुआ मिलेगा, और आपको एडमिशन के लिए दोस्तों यहाँ बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, इसमें आपको पार्ट वन जो लिस्ट आएगा फ्रेंड्स इस तरह से आएगा, जिसके अंदर में आप लोगों को देखना है अपना मेरा है या ना है, तो फिर आप जाके इसमें कर सकते हैं। इसमें कुछ खास कटक मुझे पता नहीं चलता है, तो फ्रेंड्स अगर होगा पटक मतलब पता तो मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टोरी पटना साइंस कॉलेज के ऊपर में, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स पटना साइंस कॉलेज में देखिए आपको इस तरह कट ऑफ निकलती है, और इसमें देखिए आपको ऐसे इसमें है ना फ्रेंड्स, आप लोग को जो है इसमें भी कट ऑफ के अनुसार नहीं बुलाया जाएगा, इसमें आपको रोल नंबर वाइज, देखिए कैसे रोल नंबर दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो उस तो यहाँ पर रोल नंबर दिया होगा। बता दूं मैं पटना साइंस कॉलेज में सिर्फ आप कर सकते हैं बीएससी, यहाँ से बीए और बीकॉम नहीं होता है, तो आप यहाँ से बीएससी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह आपको कट ऑफ निकलेगी, ठीक है, आप एक रिपोर्टिंग टाइप दी जाएगी, देखिए कैसे लिखा हुआ है, लास्ट जो डिजिट नंबर होगा आपको रोल नंबर मिला लेना है इसमें है या ना है, तो फिर उस तरह आपको दोस्तों यहाँ पर एडमिशन के लिए ऐसे ऐसे बुलाया जाएगा। ठीक है, और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक चीज़ और दिखा देता हूँ, रुक जाइए, एक मेरे पास और था ये वाली, देखिए ये देखिए इस तरह से देखिए है ना लिखा हुआ है, कैसे सीरीज बाय सीरीज आपको ऐसे ऐसे बुलाया जाएगा कि इतना से इतना रोल नंबर वाले आइए, इतना से इतना नहीं आइए। फिर फिलहाल तो ये बता देता हूँ कि आपको मैं ऑफर भी बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स चाहते हैं पटना साइंस कॉलेज में करना था, फर्स्ट लिस्ट कम से कम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको ये बता रहा हूँ, मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कम से कम 70 प्लस नंबर है, 100 में अगर 70 प्लस नंबर है तो पटना साइंस कॉलेज आपको मिल जाएगी। बीएससी चाहते हो करना था पटना साइंस कॉलेज मिल जाएगी, 70 प्लस नंबर है अगर 100 में तो, और उसके बाद सबसे लास्ट कट ऑफ कितना भी कम जाएगी दोस्तों इसका 60 जाएगी। ठीक है, 60 या 62 या फिर बहुत कम कहो तो, ये बता रहा हूँ जनरल वालों के लिए, तो जनरल के लिए 70 प्लस फर्स्ट मेरिट लिस्ट, और लास्टली दोस्तों एससी एसटी वाले हैं तो उनको 55 प्लस है तो उनको एडमिशन दोस्तों हो जाता है लास्टली, उससे कम नहीं होगा। और जनरल वालों के लिए 60 से कम नंबर है तो उनको एडमिशन होना है, इसमें मुश्किल है, नहीं हो पाता है, इसमें सीट नहीं बचती है, भर जाती है बहुत, सेकेंड और सेकेंड लिस्ट आते आते तो सीट भर जाती है। तो आप यही कोशिश कीजिए कि पटना साइंस कॉलेज एडमिशन लेना है दोस्तों, 60-100 में 60 नंबर कम से कम आप लाइए, 60 प्लस ही लाइए, 65 प्लस नंबर लाइए, उससे कम तो लाइए ही नहीं, तभी आपका दोस्तों इसमें एडमिशन हो पाएगा दोस्तों। और जो यहाँ पर चाहते हैं यहाँ से बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करना था, बीसीए करना, उनका दोस्तों इसी तरह रहता है कंडीशन, उनको भी काफ़ी हाई नंबर लाना पड़ेगा तब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है इस कॉलेज के अंदर में। तो फ्रेंड्स यही थी पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, उसके बाद दोस्तों आप लोग का मगध महिला कॉलेज,
और बीएन कॉलेज, मैंने बता दिया। और दोस्तों बात करते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज के ऊपर में। चलिए दोस्तों चलते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज। फ्रेंड्स ये देखिए पटना वुमेन्स कॉलेज का यहाँ कटअप है, और देखिए पटना वुमेन्स कॉलेज जो है क्या करती है, किसी भी के कटअप का नंबर नहीं देती है वो। मतलब होता है कि इतना से इतना नंबर का सिलेक्शन हुआ, वो ऐसे नहीं देगी आपको। इसमें क्या होगा, देखो रोल नंबर बाय रोल नंबर, एक को हुआ, चार को हुआ, पाँच को हुआ, छः को हुआ, 14 को हुआ, 17 को हुआ, ऐसे आपको रोल नंबर बाय रोल नंबर दे देगी, और उसमें आपको टाइम दे देगी। ठीक है, तो आपको उस अनुसार जाकर देनी पड़ेगी। इनका कोई स्पेशल कट ऑफ इस प्रकार नहीं निकलता है। मैंने पिछले सारी वीडियो बनाई थी, तो मैं जहाँ तक संभव होगा मैं सभी के सभी कॉलेज में कट ऑफ जितना भी बनाया था मैं आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितना भी मेरे में बताया था, उन सभी का वीडियो लिंक कोशिश करूँगा आप लोगों को मैं दे दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक बार जितने भी भाई लोग हैं वो सभी के, बहन लोग हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को मैं ये बोलूँगा कि एक बार मेरी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ आपको इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ डिटेल से समझ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों अगर पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि हाँ कट ऑफ इतना से इतना निकलता है, मैं ऐसे पढ़ूँ। और फ्रेंड्स अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई तो लाइक भी कीजिए वीडियो, ताकि मेरी वीडियो सबको आपको प्रमोट भी हो सके। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट की जरूरत है, ये बहुत ही छोटा चैनल है आप लोग के नज़र में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit, if I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit.